हिमगिरी कॉलोनी काठरोड हरथरा मुरादाबाद में मशहूर बुजुर्ग हजरत सैयद नौगज़े पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर हजरत का 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक 8 अप्रैल को देर रात बख़ैर व खूबी मुकम्मल हो गया। उर्स पाक का आगाज़ 6 अप्रैल को हुआ था। 8 अप्रैल की शाम को बाद नमाज असर उर्स की इंतज़ामिया कमेटी से वाबस्ता नागरिक एकता समिति अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सूबाई सदर मोहम्मद फैजान सलमानी की रिहाइशगाह से जुलूस चादर बरामद हुआ था, जबकि रात में नमाज ईशा के बाद महफिल सिमा आरास्ता की गई, जिसमें ज़िला रामपुर से तशरीफ़ लाए मशहूर कव्वाल आसिफ शाकिर चिश्ती और हमनवाओं ने साज और आवाज़ के साथ एक से बढ़कर एक नातिया व मनकबती कलाम पेश करके सामईन को बेसाख्ता वाह वाह और सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर कर दिया। लीजिए पेश है कुछ पुरकैफ नज़ारे। इस दौरान दरगाह शरीफ के गद्दी नशीन बाबू शाह मोहम्मद फैजान सलमानी मोहम्मद इदरीस मोहम्मद नाजिम अब्दुलरहमान नन्हे अली शहजाद वारसी शाहिद अली मोहम्मद शमीम मोहम्मद वसीम शकील मुल्ला जी और कमरुल हसन के साथ साथ मोहम्मद इमरान मोहम्मद रेहान रियासत हुसैन चुन्ना भाई मोहम्मद शब्बू तस्लीम अहमद हाफिज नदीम वली मोहम्मद खुर्शीद अली मोहम्मद नवैद वगैरह समेत बड़ी तादाद में अकीदतमंद हजरात मौजूद रहे। इस दौरान दिन भर और रात में भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद ख्वातीन व हजरात ने मज़ार शरीफ पर हाजिर होकर फातहा ख्वानी की ईसाले सवाब किया और मन्नतें मानी। इस मौके पर दरगाह शरीफ पर ज़बरदस्त बरकी सजावट की गई थी और पूरी दरगाह शरीफ रोशनी में जगमगा रही थी। नागरिक एकता समिति अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद फैजान सलमानी ने बताया कि 3 रोज़ा उर्स का आगाज 6 अप्रैल से हुआ था। उन्होंने बताया ये 6 अप्रैल से शुरू हुआ था, 6, 7, 8 यानी कि आज जो महफिल सिमा चल रही है कव्वाली जी, ये उर्स का आज आखिरी दिन है। अब इसके महफिल सिमा के बाद अगला प्रोग्राम क्या रहेगा? महफिल सिमा के बाद गुस्ल शरीफ गुस्ल होगा, गुस्ल के बाद उर्स मुकम्मल हो जाएगा, मतलब फिर आइंदा साल इंशाल्लाह ताला होगा। तक के लिए ये एक बड़ी दरगाह है और बहुत अरसे से यहाँ पिछली सदी से उर्स होता चला आ रहा है, तो इस मौके पर आप इस दरगाह के खिदमत गुजार और इंतज़ामिया कमेटी से वाबस्ता होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे आवाम से? मैं शहर के लोगों से अपील करना चाहूँगा हजरत नौगज़े पीर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, आपस में सौहार्द बना करके हिंदू मुस्लिम सभी एकता के साथ रहें। जिन लोगों ने इस उर्स में किसी भी तरीके से शिरकत की, हाथ पांव से शिरकत की, वैसे ताबुन किया या जिस तौर से भी शरीक रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, उन लोगों ने पूरी तरह से मेहनत से भी पैसे भी हर तरह से सपोर्ट पूरी तरह से उसमें करी।